ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ है ना, ये मैं आपसे लीनियर इनइक्वालिटीज में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे मैं रियल नंबर्स की लाइन लेता हूँ, ठीक है, आपको पता है रियल नंबर्स को वी कैन रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन, ठीक है। अगर रियल नंबर की लाइन है, बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं यहाँ पे, एक इंटरवल ये हो गया तो एक सबसेट हो गया, मतलब इस नंबर से इस नंबर के बीच में, यहां से यहां मैंने एक सबसेट ले लिया जो इसके बीच में नंबर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे सबसेट्स हो गए, ठीक है। तो देखिए वहां मैंने आपको बताया था क्लोज इंटरवल, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज रियल नंबर लाइन एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है ना, तो इसको बोलते क्लोज इंटरवल, दिस इंटरवल इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं हम लोग, ए कॉमा बी, ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम लोग इसको, क्लोज इंटरवल को, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर ये आपका जो सेट है ना, मतलब इसका मतलब जो आपकी वैल्यूज हैं वो ए से बी के बीच में लाई करेंगे, दे कैन बी इक्वल टू ए एज वेल एज इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी, तो इसका ये मतलब होता है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। देन वी हैव ओपन इंटरवल, आपको शायद याद आ रहा होगा कि हाउ वी शो इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल नंबर को कैसे शो करते हैं, अगर ये नंबर लाइन है ऐसे, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसका मतलब होता है कि आपको ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी, अगर इस तरह का इंटरवल है तो, मतलब इन नंबर्स को मैं छोड़ देना है ए और बी को, तो एक्स ये ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। और ये यहां पर हमारा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और यहां पर ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एंड देन वी हैव सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लाइन पे एक पॉइंट ए ले लिया एंड जैसे पॉइंट बी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि ए को अगर ऐसा है तो आपको एक्सक्लूड करना है और ऐसा है तो आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो एक्स जो होगा ए को एक्सक्लूड कर देना है, मतलब ग्रेटर देन ए, एंड बी को इंक्लूड करना है, तो यहां पे ओपन लगेगा है ना, कि आपने एक्सक्लूड किया है तो एक्सक्लूड में ओपन होता है, ओपन इंटरवल ऐसे लगता है ए, इसको आपको इंक्लूड करना है तो ये आपका इंटरवल बनेगा ए को, उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जब भी ये लगेगा इसका मतलब आपको नंबर क्या करना है, यू हैव टू एक्सक्लूड दैट नंबर, और ऐसे लगेगा अगर आपका तो यू हैव टू इंक्लूड दैट नंबर, ठीक है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, है ना, तो इसका मतलब हुआ ए को आपको इंक्लूड करना है, बी को एक्सक्लूड करना है, तो एक्स क्या होगा हमारा, ए को इंक्लूड कर लिया, इक्वल का साइन लगा दिया एंड लेस देन बी, ये हम लोग वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, है ना, कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग जिन सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो सारे, जैसे मैं ए बी सी, मेरे पास थ्री सेट्स हैं, ठीक है, मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, एक ऐसा सेट ले लीजिए आप विच कंटेन्स ऑल थ्री सेट्स ए बी सी, उसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें ए को ले लेता हूं 1 2 3, बी को ले लेता हूं 2 4 6 8, और मैं सी को लेता हूं 1 5 10 15, ठीक है। आपको कहता है भाई ऐसा है, इसका यूनिवर्सल सेट बना के दिखाओ,
ठीक है, आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बना के दिखाना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी भी आ जाए। ठीक है, तो काम करते हैं, अगर मैं एक सेट बना दूंगा आपका, चलिए मैं उसको डी लिख देता हूं, ठीक है, है ना, उसमें मैं वन ले लूं, टू ले लूं, थ्री ले लूं, फोर ले लूं, फाइव ले लूं, मतलब इन सबको कंबाइन कर देते हैं, सिक्स ले लूं, एट ले लूं, टेन ले लूं, फिफ्टीन ले लूं, सारे एलिमेंट्स आगे देखो आप, छोटा तो नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट टेन फिफ्टीन, सारे एलिमेंट्स आ गए, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इससे सारे कंबाइंड, उससे ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, देयर मे बी मोर एलिमेंट्स, या मैं ऐसे ले सकता हूं, मैं एक सेट ई ले लेता हूं, सेट ई, आई टेक ए सेट ई, और ई को मैं लेता हूं कहां से कहां तक, वन टू थ्री अप टू हंड्रेड, तो ये भी इन तीनों का क्या होगा, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब जो भी सेट्स हैं उनके हिसाब से हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें वो सारे सेट्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको हम यू से नोट करते हैं, कैपिटल यू, नो, ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे मैं एक 2D की बात कर रहा हूं, कोई 2D की प्रॉब्लम लेते हैं, है ना, जैसे टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमें यहां पे कोई भी पॉइंट लेना है ना, कुछ भी बातें करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, एक पॉइंट कोई यहां हो सकता है, एक पॉइंट यहां हो सकता है, एक पॉइंट यहां हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगर कोई कहता है कि वॉट इज यूनिवर्सल सेट, है ना, तो इन कोऑर्डिनेट, इन 2D ज्योमेट्री, इन 2D ज्योमेट्री सेट ऑफ ऑल पॉइंट, जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन कोऑर्डिनेट प्लेन, लाइंग इन एक्स वाई प्लेन इज यूनिवर्सल सेट। सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए, उनको मैंने एक सेट बोल दिया, तो आप कहीं भी आप पॉइंट लोगे तो उसका पार्ट होगा, तो दैट इज यूनिवर्सल सेट, सारे पॉइंट्स आ गए उसमें। ठीक है, और जैसे बात कर लेते हैं इसके नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम की बात करते हैं, रियल नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर्स होते हैं, मतलब जो रियल नंबर का इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये रियल नंबर्स का इंटरवल होता है, इसको भी हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो दिस विल बी ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन पे नंबर्स को स्टडी कर रहे हो, तो जितने भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में जो भी, जो ये सेट बनेगा आपका, दैट विल बी यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं, पर इनको समझते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको बताना है ना, कि ये सबसेट है या नहीं है, मैं आपको कुछ सेट्स दे रहा हूं। ठीक, चलिए आप बताइए मुझे, एक सेट है, अब इन प्रॉब्लम्स को बहुत ढंग से देखिए आप, वन टू थ्री और एक सेट है, वन कॉमा थ्री एंड एक सेट है, ए कॉमा बी और एक सेट है आपका, वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो ए और बी के बीच में आपको
या तो सब, या तो ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। सबसेट होगा तो वी यूज दिस सिंबल इज अ सबसेट ऑफ, एंड अगर सबसेट नहीं है तो वी यूज दिस सिंबल नॉट सबसेट ऑफ। तो आपको ए और बी में साइन फिल करना है, ठीक है। आपको ये दिस इज फर्स्ट सेट, देन आपको बी और ए के बीच में साइन फिल करना है, ठीक है, सबसेट या नॉट सबसेट। एंड देन आपको सी और डी में साइन फिल करना है, एंड आपको बी एंड डी में साइन फिल करना है, ठीक है। तो आप साइन फिल कर लिए और फिर आप आके यहां से मैच कराइए मेरे साथ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी को देखते हैं, तो यार बी में तो 1-3 आ रहा है और यहां पे 1-2-3 आ रहा है। सबसेट की कंडीशन क्या होती है? सबसेट की कंडीशन होती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, शुड बी इन बी। ए कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ए में 2 आ रहा है जो कि बी में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग टू बी, है ना। ये तो सबसेट की तो कंडीशन होती है, ए शुड कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब बी क्या हो रहा है, क्या बी ए का सबसेट है? तो यार बी में तो देखो आप, ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, यहां पे 1-2-3 है, तो मैंने 1 और 3 को लेकर एक सेट बना दिया, तो इसमें तो एक एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो ये आप देखिए, दिस विल बी सबसेट। सी और डी में देखते हैं, कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये ए बी है, ये 1-2-3-4 है ना, सी एंड डी, ठीक है। सी और डी में कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, इट्स नॉट ए सबसेट। बी और डी में देखते हैं, ये बिल्कुल है, बी में भी है 1-3, यहां पे 1-2-3-4 है। सबसेट की कंडीशन क्या होती, सम इट शुड कंटेन सम एलिमेंट्स ऑफ डी, इट मे कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ऑल्सो, ठीक है। और देखिए आप, इसने 1-3 को लेके एक सेट बना दिया, तो दिस विल बी सबसेट ऑफ डी, बी द सबसेट ऑफ डी, ठीक है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और एक पूरी एक जो आपकी एक्सरसाइज है ना, वो इसी पे डिवोटेड है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बेसिकली वो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, ये एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बिलोंग्स टू की प्रॉब्लम एंड सबसेट प्रॉब्लम्स। तो प्लीज इनको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपको यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देखिए एक सेट है, इस प्रॉब्लम को आप मतलब 2-3 बार बहुत ढंग से देखना, ठीक है। कुछ पहले मैं आपको इजी प्रॉब्लम्स बताता हूं, ठीक है। ये मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहा हूं, वी हैव ए कॉमा बी, ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आंसर लिखते रहिए साइड में, x is such that x is a vowel, x is a vowel, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, वन टू थ्री सबसेट ऑफ
135। आपके आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, आपका ट्रू फॉल्स साथ में लिख देना चाहिए। सेट ए सबसेट ऑफ एंड वन मोर एक्स इज सच दैट एक्स इज एंड इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। ये पूरा सेट ये सेट बिल्डर फ्रॉम एक्स इज एंड इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स इज अ सबसेट ऑफ x is such that x is a natural number which divides 36 natural number which divides 36। पहला बताइए आप, तो फॉल्स हो गया ना भाई। अगर बी सी ए है ना, तो ए बी तो उसका सबसेट होगा ना। इसके कौन कौन सबसेट होंगे बताइए। इसका एक सबसेट फाइव होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक ए होगा, एक बी सी होगा, एक सी ए होगा, एक ए बी होगा, एक बी सी आ गया, तो ये तो उसका सबसेट हो गया ना ए बी। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। आपके आंसर देखा, आप मैच कराते रहिए सोच सोच के, अपने आंसर लिख लीजिए साथ में। ठीक है, 1 2 3 सबसेट ऑफ 135 सॉरी ए इज सबसेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवेल। ठीक है, एक्स इज ए वोवेल, तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवेल, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो आई विल राइट ए आई ओ यू। ठीक है, तो ये देखो ए और ई जो है इसके पार्ट हो गए, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। This statement is true. Okay. क्या बोल गया है, मेरे को फोन आ गया मेरा। 1 2 3 सबसेट ऑफ 135 1 2 3 and 1 3 5। ठीक है, तो देखिए यहां पे 2 है और यहां पे 2 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस विल बी फॉल्स। बहुत आसान सा टॉपिक है यार ये, ठीक, बट कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसको ढंग से नहीं देखेंगे तो। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं, तो फोर्थ की बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा था ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब इनको देखिए यार, इन दो को ध्यान से देखिए आप। ठीक है, मैंने स्टार लगा दिया, ढंग से समझना आपको। तो अगर ए बी सी लिखा हुआ है ना, तो जो ए होगा, अब बात समझना, अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं विदाउट ब्रैकेट, देखो सेट को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज ए, जैसे ये एबीसी सेट है, ठीक है, अब
इधर देखिए आप इसको, जैसे मैंने एक सेट लिखा एबीसी, कोई पूछता व्हाट इज ए, ए पता क्या है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ एबीसी, इसको बहुत ढंग से समझिए, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ जो भी सेट है, मैं इसको चलो एस लिख देता हूं, ऑफ सेट एस, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एस, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है इसके इसके सबसेट लिख के दिखाइए, तो आपको पता है जब आप इसके सबसेट लिखोगे तो सबसेट में आपको पता है सेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो सबसेट के आगे बनेगा इसके एक नल बनेगा, एक ये सेट बनेगा कंटेनिंग एलिमेंट ए, एक ये बनेगा, और ऐसे आपके टोटल मिला के 8 सबसेट्स बन जाएंगे। तो व्हाट इज ए विद इन ब्रैकेट एंड व्हाट इज ए विदाउट ब्रैकेट, डिफरेंस समझ लीजिए। अगर ये विदाउट ब्रैकेट लिखा है इट रिप्रेजेंट्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एस, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एस, और अगर मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे तो ये क्या बताएगा कि दिस इज सबसेट ऑफ एस, सबसेट ऑफ सेट एस, जो सेट एस है इसके सबसेट्स बनेंगे बहुत सारे पे, तो दिस विल बी सबसेट, क्लियर हुआ। विदाउट ब्रैकेट एलिमेंट, विद ब्रैकेट सबसेट, क्लियर। अब बताइए आप, ये लिखा हुआ है फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, है ना, फोर्थ स्टेटमेंट आप सोचिए ट्रू होगा फॉल्स होगा, भाई एबीसी है तो यार ए तो उसका सबसेट होगा, बिल्कुल, अगर मैं एबीसी का सबसेट लिखूंगा ए ब्रैकेट में लिखा हुआ तो दिस विल बी सबसेट, तो फोर्थ इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। व्हाट अबाउट फिफ्थ स्टेटमेंट, देखो बिलोंग्स टू इज यूज फॉर एलिमेंट, आप बात समझिए, बिलोंग्स टू है ना इज यूज फॉर एलिमेंट, ऐसे याद रखिए तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, बिलोंग्स टू इज यूज फॉर एलिमेंट एंड सबसेट इज यूज फॉर सेट। तो अब देखो ये स्टेटमेंट पता कब सही होता, बिलोंग्स टू में हमें सिर्फ सेट लिखना होता है, पता है आपको, सॉरी बिलोंग्स टू में ओनली वी हैव टू राइट एलिमेंट, तो अगर मैं यहां से ये हटा दूं ना, ये हटा दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउ दिस रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ए जो कि इसमें है, तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, समझे, ए इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस सेट, बट अगर मैं यहां पे ये लगा देता हूं तो दिस इज नॉट एलिमेंट, दिस इज अ सेट, तो क्या इसके एलिमेंट्स में ये सेट आ रहा है, बिलोंग्स टू इज ऑलवेज यूज फॉर, समझ रहे हो आप, एलिमेंट्स, तो क्या इसमें कहीं मैं आपको ब्रैकेट में ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर आपको स्टेटमेंट सही करना है तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। और सिक्स आप देखिए, सिक्स भी आसान सा है, सिक्स विल बी, सिक्स का मैं आपको आंसर बताता हूं, सिक्स इज ट्रू, ठीक है। तो चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बिलोंग्स टू पे एंड सबसेट पे, ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलोंग्स टू एंड सबसेट, एक सेट है मेरे पास वन टू, देखिए एलिमेंट्स में भी सेट हो सकता है, इस लाइन को लिखिए, जो एलिमेंट्स होता है जो किसी, ये दिस इज सेट, देखिए सेट ये एलिमेंट्स हैं, वन इज एलिमेंट, टू इज एलिमेंट, और ये पूरा सेट भी इसका एलिमेंट है, ये पूरा सेट इस ए सेट का एलिमेंट है, दिस सेट, आप समझ रहे हो, ब्रैकेट में लिखा है तो दिस रिप्रेजेंट्स अ सेट, सेट कैन ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक, एंड कॉमा फाइव, ये एक सेट हो गया, इसका एलिमेंट कौन कौन से हैं, वन टू थ्री कॉमा फोर एंड फाइव, ये इसके एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक एलिमेंट जो है वो अपने आप में खुद एक सेट है,
क्या बोला मैंने, एक एलिमेंट अपने आप खुद में एक सेट है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक स्टेटमेंट देखते हैं, 3-4 इज ए सबसेट ऑफ ए, पता है क्या होगा? सबसेट कैसे लिखता है, एलिमेंट्स में जब हम एक ब्रैकेट और लगाते हैं तो उसको सेट बनाते हैं। तो आप क्या, आपको लगता है कि 3-4 क्या है, बताइए, दिस इज एलिमेंट है ना, तो क्या होगा जो आपका 3-4 होगा, दिस इज एलिमेंट, इट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू इज यूज फॉर एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 3/3,4 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, समझ रहे हो? सबसेट कब बनता, आप इसके सबसेट कैसे बनाओगे, देखो इसका एक सबसेट 1 बनेगा ब्रैकेट के अंदर, एक 2 बनेगा ब्रैकेट के अंदर, एक 3,4 बनेगा, इसमें डबल ब्रैकेट लग जाएगा, पता है? अगर ये डबल ब्रैकेट लगा होता और फिर ऐसे लिखा होता तो बात सही थी, समझ रहे हैं आप? सबसेट बनाने के लिए हर एलिमेंट का हमें क्या बनाना पड़ता है, सेट बनाना पड़ता है। एलिमेंट का सेट कैसे बनाते हैं, वी हैव टू यूज ब्रैकेट्स। तो अगर आप 3-4 को, अगर आप इसका 1 आएगा ब्रैकेट में, 2 आएगा, इसमें एक और ब्रैकेट लग जाएगा, दिस इज सबसेट ऑफ ए एंड 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये बात रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए वीडियो को, मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसके जो 3 क्वेश्चन है, दिस इज स्टेट फॉर्म एनसीईआरटी, देखो तीनों क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि 3-4 इज सबसेट ऑफ ए, तो आप समझ गए होंगे कि दिस इज फॉल्स। फिर कह रहा है कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, आप समझ गए होंगे कि 3,4 जो लिखा हुआ है दिस इज एलिमेंट, तो दिस इज ट्रू, ये एलिमेंट है। एंड फिर लिखा हुआ है 3,4 और ऐसे लिखा हुआ है सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि जब आप एलिमेंट में एक ब्रैकेट और लगाते हो तो वो सेट बन जाता है, एंड दिस इज सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारे 3 शुरू के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए, अब 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इज फोर्थ पार्ट, 5th इज 1 इज सबसेट ऑफ ए, इन दो में आंसर दिया, आप बताइए क्या आंसर बैठेगा। 1 क्या है यहां पे, इफ आई एम राइटिंग विदाउट ब्रैकेट तो 1 इज एलिमेंट है ना, तो 1 बिलोंग्स टू ए जो है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि अगर मैं इसको विदाउट ब्रैकेट लिख रहा हूं तो दिस इज एलिमेंट, और बिलोंग्स टू वैसे भी एलिमेंट के बारे में बताता है, तो ठीक है 1 इज एलिमेंट, 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, हां दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। इसको मैं ट्रू पता कब करता, अगर मैं 1 पे ऐसे लगा देता तो ये आपको पता है, जब इसके सबसेट लिखते तो ये बनता है 1 इसका सबसेट बनता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, ठीक है। फिर कह रहा है लाइक 6th पार्ट इज 1-5 सबसेट ऑफ ए, सोचिए आप है या नहीं है, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हीं से सेट बनता है, तो मैंने 1-5 ले लिया, ठीक है, एक पूरा ये सेट बन गया, दिस इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू है दिस स्टेटमेंट इज। अगर कोई कहता 1-5 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स हो गया, व्हाई, ये जो 1-5 आपने सेट पे लिख दिया ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये पूरा एक सेट बन गया, ये पूरा एक सेट है, तो आपको यहां पे सेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे ट्रू होता, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, लेकिन जो आपने 1-5 को एक साथ लिख दिया, यू आर यूजिंग 1-5, तो दैट बिकम्स वॉट, दैट बिकम्स सबसेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। देन ही कह रहा है 1-3 इज सबसेट ऑफ ए, अब ये थोड़ा सोचो यार, ये भी इंपॉर्टेंट, यहां भी कंफ्यूजन होता है, 1-3 सबसेट ऑफ ए, यार आपको यहां पे कहीं 3 एलिमेंट दिख रहा है, बताओ,
अगर मैं पूछूं व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ ए, वन इज एलिमेंट, टू इज एलिमेंट एंड थ्री फोर, ये जो पूरा सेट है दिस इज एलिमेंट, हम थ्री को अलग एलिमेंट नहीं बोलेंगे, दिस होल सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या हम थ्री को अलग ट्रीट कर सकते हैं? अलग ट्रीट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कर रहा है कि वन टू थ्री सबसेट ऑफ है, ठीक है, हमने वन को ले लिया, टू को लिया, हम थ्री को ले ही नहीं सकते, थ्री डिपेंडेंट नहीं, थ्री को मैं फोर तो एक पूरा सेट है, आप बात समझ रहे हो, तो दिस कैन नॉट बी सबसेट ऑफ ए, थ्री इज नॉट इंडिपेंडेंट, थ्री कोमा फोर, दिस होल थिंग, दिस होल सेट, ये पूरा सेट एक एलिमेंट को शो कर रहा है, हम थ्री को अलग ट्रीट नहीं कर सकते, हम फोर को अलग ट्रीट नहीं कर सकते, तो वन टू थ्री इज नॉट सबसेट ऑफ ए। पता है क्या सबसेट होता, सबसेट ये होता, वन को ले लो, टू को ले लो और थ्री कोमा फोर पूरे को ले लो, फिर इन सबका एक सेट बना दो, तो वो सबसेट ऑफ ए हो जाता है, पता है, दैट इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यार फाइव बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट सही है, देखो यहां भी बहुत कंफ्यूजन बच्चों को, फाइव बिलोंग्स टू ए, यार फाइव इसमें कहां है, फाइव कब आता है, फाइव सबसेट में आता है, पता है, जब आप सबसेट लिखते हो तब फाइव आता है, क्या यहां पे आपको फाइव दिख रहा है, फाइव डज नॉट बिलोंग टू ए, ये है ही नहीं यहां पे एलिमेंट, कहीं दिख रहा है आपको, कोई एलिमेंट नहीं, वन टू थ्री फोर, ये वन टू थ्री कोमा फोर, ये पूरा एलिमेंट हो गया, दिस इज फाइव, फाइव डज नॉट बिलोंग टू ए। लेकिन अगर मैं इसके सबसेट लिखूं, जिसके ए के सबसेट लिखूं, चलो एक बार लिख ही लेते हैं सबसेट ए के, आप भी लिख लो सबसेट क्या क्या बनेंगे, फाइव होगा, वन होगा, टू होगा और ये थ्री कोमा फोर, डबल ब्रैकेट लगेंगे एंड देन दे विल बी फाइव, ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन लेंगे हम, वन टू का कॉम्बिनेशन, ठीक है, वन टू का कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, किसका कॉम्बिनेशन लेंगे हम, टू कोमा, ये बन गया, फिर हम इसका कॉम्बिनेशन लेंगे थ्री कोमा फोर कोमा फाइव, ठीक है, और फिर हम एक कॉम्बिनेशन लेंगे वन कोमा फाइव का, फिर आप ऐसे थ्री 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 कॉम्बिनेशन हो गए, वन टू थ्री, फिर टू थ्री फोर फाइव, फिर थ्री फोर एक फाइव और वन, ऐसे आपके टोटल सिक्सटीन बनेंगे, सिक्सटीन बनेंगे, मैम ने कितने लिखे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लिखे, एट और बनेंगे इसके, ठीक है। तो फाइव जो है नॉट एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन जब हम ए के सबसेट लिखते हैं तो सबसेट लिखने में फाइव आ जाता है, फाइव इज एलिमेंट ऑफ ऑल सबसेट्स, किसी भी नंबर का अगर आप सबसेट लिखते हो तो फाइव वहां पे आएगा, तो फाइव इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए कि एम्प्टी सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको अलग से लिखिए, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यार फाइव को इसने ऐसे लिख दिया कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, अगर यहां पे फाइव होता, मान लो यहां पे फाइव होता, एक बात कर लेते हैं कि यहां पे फाइव होता अगर, तो फिर हम उसको कैसे लिखते, जब हम सबसेट में लिखते तो हम फाइव में भी एक ब्रैकेट लगाते, बट सिंस देयर इज नो फाइव, यहां को फाइव तो है ही नहीं, तो उसका तो सबसेट बनेगा नहीं, फाइव सबसेट ऑफ ए, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ फाइव लिखते हैं हम सबसेट ऑफ ए, जब इसमें लिखोगे तो फाइव आएगा, बट अगर फाइव पे आपने एक और वो लगा दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ फाइव जो है वो ए का सबसेट है, फाइव के ऊपर आपने अगर एक ब्रैकेट और लगा दिया तो फिर उसका सेट बन गया, तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता बताओ, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता, देखो ये स्टेटमेंट अभी ट्रू है, ढंग से देखिए, ये स्टेटमेंट अभी ट्रू है, दिस इज ट्रू इन दिस सिनेरियो, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता पता है,
ये स्टेटमेंट तब ट्रू होता जब यहाँ पे फाई गलती से लिखा होता, फिर उसका भी हम एक सेट बना देते हैं तो फाई का सेट बनता, फिर ये हो जाता, ठीक है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो मैंने आपको जस्ट अभी कराया है, इसकी वीडियो को दो तीन बार देखो और समझने की कोशिश करो।